देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में एक यूपीएससी का रिजल्ट आज यानी मंगलवार को जारी हो गया है। इस परीक्षा में चार लड़कियों ने टॉप किया, जिसमें पहले स्थान पर इशिता किशोर रही। आपको बता दें कि इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में यह कामयाबी हासिल की है। इशिता उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और इशिता को मधुबनी पेंटिंग का शौक है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इशिता किशोर के बारे में। मिली जानकारी के मुताबिक इशिता किशोर अपने स्कूल टाइम से ही ऑलराउंडर रही। वह शिक्षा हो या खेल, सभी चीजों में आगे रहती थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के फेमस कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके अलावा इन्होंने 2 साल तक एडवाइजरी के तौर पर एस्टोनिया कंपनी के साथ काम भी किया है। इशिता के एक इंटरव्यू के मुताबिक इशिता ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज टाइम में स्पोर्ट में बहुत एक्टिव थी और वहाँ इनका काफी मन लगता था। खेल के अलावा इशिता बहुत सारी करिकुलर एक्टिविटीज का भी हिस्सा रहती थी और उनमें इशिता किशोर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी, क्योंकि समय समय पर स्कूल के फैकल्टी बताते थे कि किस तरह से हर चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं अगर इशिता किशोरी की वर्क पॉलिसी की बात करें, इशिता ने आईएएस ऑफिसर बन जाने पर अपनी वर्क पॉलिसी के बारे में बताते हुए कहा था कि अगर वह आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं, तो वह टीम के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगी और वह लीडरशिप की स्किल्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर काम करेंगी। इसके साथ ही इशिता ने कहा कि जो उस वक्त टीम के लिए बेहतर होगा उसी काम को साथ मिलकर करूंगी।